मैं हूं आपका अपना होस्ट अहमद अली और आप देख रहे हैं हाथ अली टीवी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे कैलकुलेटर पे अपनी प्राइवेट चीज़ों को सेव कर सकते हैं, तो आप अपने कैलकुलेटर को कैसे प्राइवेट जोन बना सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले वीडियो शुरू करते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप देख सकें सबसे पहले। करना ये है कि आपने एक मोबाइल लेना है और उसके प्ले स्टोर को करना है ऑन। जैसे ही प्ले स्टोर ऑन हो जाए तो आपने उसके सर्च बार में टाइप करना है प्राइवेट वीडियो। जैसे ही आप प्राइवेट वीडियो टाइप करेंगे तो आपके सामने चार पांच ऑप्शन आ जाएंगी, चार पांच में काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। आपने तीसरी वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और अगर आप ये नहीं कर सकते तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। पर अब हम करते हैं इसको ऑन और यूज़ करके देखते हैं ये कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे ही ये ऑन हो जाए तो आपने इस पर एक पासवर्ड लगाना है, जैसे मैंने लगाया हुआ है 7863। जैसे ही मैं टाइप करता हूँ ये ऑटोमेटिकली आगे चला जाएगा। जैसे ही ये ऑन हो जाता है आप इसमें कोई सी भी वीडियो ऐड कर सकते हैं। तो हम नेट बंद कर लेते हैं क्योंकि ये अपना ऐड शुरू कर देगा। जैसे ही हम नेट बंद करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप इसमें प्लस के बटन में क्लिक करके कोई सी भी वीडियो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने वीडियो की हुई है तो आप इसमें अपनी तस्वीरें, वीडियो एडिट खींच के तस्वीर भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम ऑन कर लेते हैं फोटो गैलरी को और कोई सी भी फोटो ऐड करके आपको दिखाते हैं कैसे ऐड करते हैं। जैसे ही हम नीचे क्लिक करेंगे तो हम दोनों तस्वीरों को सिलेक्ट करके ऊपर ताले के बटन को क्लिक कर देते हैं और वो पिक लॉक हो जाएगी। जैसे ही वो लॉक हो जाए तो आपने यहाँ से इसको कैंसिल करके नीचे जाके अपनी पिक को देख सकते हैं कि वो उसके अंदर सेव हो चुकी है। तो हम इसमें कोई सी भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, वो भी इसको सेव करके उसको दोबारा अनपिन कर सकते हैं। और अगर आप इस तस्वीरों को बाहर निकालना चाहो तो बड़ी आसानी से निकाल भी सकते हो। मैं आपको ये वीडियो बाहर निकाल के दिखा सकता हूँ कि कैसे आप इसको दोबारा अनपिन कर सकते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे ऊपर ताले के बटन को आपने दोबारा क्लिक कर देना है और उसको ओरिजिनल फाइल में कन्वर्ट कर देना है और वो फाइल वापस ही आपकी गैलरी में चली जाएगी। तो आप इसको कैलकुलेटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। इस ऐप को बड़ी आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें देखने वाला यही कहेगा कि आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ नॉर्मली यूज़ करना पड़ेगा कैलकुलेटर। और आप इसकी थीम को भी बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हो। अगर आप कोई भी मैथ का सवाल करना चाहें तो आप उसमें ये हल भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं ज़रब का सवाल करके चेक करवा रहा हूँ कि आप इसको कैलकुलेटर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और किसी को आप पे शक भी नहीं होगा कि आप एक प्राइवेट जूम को यूज़ कर रहे हैं। तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम इससे भी ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।